आपका आपके हिंदी की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा हिंदी क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था पार्ट 8 कौन। तो ये एक कविता थी जो कि एक जीव के ऊपर थी, शरारती जीव के ऊपर थी, जो हमारी चीज़ों को कुतरता बिखेरता और काटता रहता है, हमारे घर में ही रहता है, उसके ऊपर ये कविता है। तो उसके शब्दार्थ आपके हो गए थे, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव कौन है, कहाँ का सॉरी ये जीव घर पर कहाँ कहाँ गया, ये आपको बताना है। तो ये कविता में एक्सप्लेन किया गया है कि उसने हमारा अनाज बिखरा दिया, स्याही बिखरा दी, किताबें फाड़ दी, जूते चप्पल फाड़ दी, कुतर दिए। तो इससे आपको आइडिया लगता है कि वो कहाँ कहाँ गया। वो यह शरारती जीव घर के अलमारी में, रसोई में जूते चप्पल रखने के स्थान पर, पढ़ाई करने के टेबल पर, घर के कोने कोने में गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, ये मैंने ऊपर कट कर दिया, ये दो लाइन बाय मिस्टेक गलत लिखी गई थी, ये आपको नहीं लिखनी है, डेफिनेटली आपको नीचे के दो लाइंस लिखनी है आंसर में। तो किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ, अनाज का, क्योंकि उसने अनाज बिखरा दिया था, कपड़े का नुकसान हुआ जो कि कुतर दिए थे उसने, जूते चप्पल भी कुतर दिए थे, किताबें भी कुतर दी थी, तो इन सब का उसमें नुकसान हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है। ये जो अभी हमने ऊपर अपने क्वेश्चन में पढ़ा, प्रश्न नंबर 2 में हमने पढ़ा कि किन किन चीज़ों का हमारा नुकसान हुआ है, तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा नुकसान हमारा कौन सा है। तो इसका आंसर है, सबसे बड़ा नुकसान किताबों का हुआ, क्योंकि वे ज्ञान का भंडार होती है। ठीक है, अगर हम किताबों का नुकसान नहीं हुआ होता, उनको वो रखी रह जाती तो वो आगे भी किसी और के पढ़ने के काम आ सकती थी, लेकिन वो चूहे ने नष्ट कर दी, कुतर दी सारी किताबें, तो सबसे बड़ा नुकसान किताबों का हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। तो ये तो प्रश्न कवि ने भी पूछा था अपनी लास्ट की दो पंक्तियों में। इसका उत्तर है, इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है, यही वह जीव है, और अनुमान कैसे लगा हमें, क्योंकि यही वह जीव है जो कपड़े किताबें आदि कुतरता है, यही रात भर खुरखुर करता कोने कोने में भागता है। तो इस बात से हमें ये अनुमान हो गया कि यही ये जीव जो है वो चूहा है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, जो कि है, कबाड़ी क्या सामान खरीदते हैं। कबाड़ी क्या सामान खरीदते हैं आपके घर से, आपके घर आते होंगे, आपकी मम्मी पुराना सामान बेचती होंगी उन्हें, तो वो क्या क्या सामान लेके जाते हैं। वो पुराने अखबार लेकर जाते हैं, लोहे का प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं, है ना, वो आवाज़ भी लगाते हैं कि लोहे का सामान बेचो, प्लास्टिक का सामान बेचो, पुरानी अखबार बेचो, और हमारी रद्दी होती है कॉपी किताब, वो भी ले जाते हैं पुराने। अगला हमारा प्रश्न है, तुम्हारे घर के सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं, कबाड़ी क्या करेंगे उसका ले जाकर। कबाड़ी वाले इन चीजों को कारखानों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। इनको गला देते हैं, पिघला देते हैं, और जो मेटल तैयार होता है, जो प्लास्टिक हुई तो प्लास्टिक जो पिघल कर आई उससे किसी और शेप की कोई चीज और चीज बना दी। ठीक है, इसी तरीके से लोहे को पिघाल कर कुछ और बना दिया, तो इस तरीके से वो उनको रिसाइकल कर देते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा, यदि कबाड़ी वाले हमारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो हमारे घर में कबाड़ बढ़ता चला जाएगा और गंदगी बढ़ती चली जाएगी। अब आप सोचो कि अगर कोई पुरानी कुर्सी है, प्लास्टिक की कुर्सी है, वो टूट गई तो अब क्या करेंगे उसका, वो टूटी पड़ी रहेगी। अगर कबाड़ी नहीं लेकर जाएगा तो हम उसे कहाँ फेंकेंगे, ऐसे ही थोड़ी सड़क पर फेंक सकते हैं, और डस्टबिन में तो वो डेफिनेटली आने वाली नहीं है, और भी कई चीज़ें होती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं,
तो इसलिए अगर कबाड़ी इन चीजों को नहीं ले जाएगा तो हमारे घर में बहुत ज्यादा गंदगी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।